Ne dumme. नहीं करा सकते हो, इससे हेडल नहीं होता, ये कैनन लिखा हुआ है यार अंदर, कुछ लिखा हुआ है। धूप और मौसम के बारे में तुम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए तुमको। जब तुम्हें लगता है ना कि चलो ठीक है धूप का मैं आज मैं इस चीज़ का शूटिंग कर लूँगा, तो तुम गलत हो सकता है, तुम गलत हो सकता है कि गलती हो। थर्टी वन डिग्री सेल्सियस कोलकाता में, और अभी टाइम हो रहा है 12:42। मैंने ट्रैवलिंग शुरू किया है 10 बजे, घर से काफ़ी दूर आ चुका हूँ। आज की वीडियो इधर ही से शुरू होती है। 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है मुझे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और मैं क्या क्या कैरी करने वाला हूँ वो भी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। मेरे साथ मेरा आईफोन, मेरा बैकपैक और कुछ ज़रूरी सामान है, ना ही कोई पैसे है ना ही कुछ है। 12:44 और देखते हैं कब तक 100 किलोमीटर्स में रीच करता हूँ। मैंने अपने लिए एक जगह चॉइस किया है, वैसे ज़मीन बहुत ही गर्म है फिर भी मैं बैठा हूँ तुम लोगों को दिखाने के लिए। अगर मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ तो ये है 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर है इधर से, लेकिन उससे भी मैं फर्दर जाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं लिफ्ट मांगने की कोशिश करूँगा, और अगर मुझे कोई लिफ्ट नहीं देता है तो फिर उसके बाद और कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। दिस इज़ माई बैक पैक एंड ये मेरा आईफोन है। तो दिस इज़ माई बैक पैक एंड मेरे साथ मैं अपना फ़ोन कैरी कर रहा हूँ, ये मेरा फ़ोन है, और इसको खोलते हैं। ये मेरा फ़ोन है और ये मेरा बैक पैक है, मेरा साथी। तो मेरे साथ है परफ्यूम है, कुछ लेंसेज हैं, इसके साथ बैटरीज वगैरह हैं इसके अंदर, तुम लोगों को दिखा दूँ। मेरा बैटरीज, मैं बैटरीज बहुत कैरी करता हूँ क्योंकि काम आ सकते हैं। और ये मेरा पावर बैंक जो कि MI का 20,000 का पावर बैंक है। ये हार्ड डिस्क, ये मेरा वायरलेस माइक, ये मेरा फ़ोन केस और एक, और ये 50mm लेंस, नहीं ये 50mm नहीं, ये रहा 50mm लेंस अच्छे शॉट्स के लिए। और ये कैमरे का चार्जर, स्ट्रैप वगैरह, और ये मेरा परफ्यूम, और मेरे पास ना ही कोई वॉलेट है ना ही कोई पैसे हैं। और ये मेरा छोटा सा ट्राइपॉड जिसके ऊपर मैं कैमरा भी लगाया था, और बस यही मेरे पास सामान है। तुम लोगों को ये वाला चेन भी खोल के दिखा देता हूँ, ये देखो इसमें बस कुछ वायरलेस माइक्स है, ये रहा एक माइक, इसके अंदर लोग लैपटॉप रखते हैं, फिर मैं वायरलेस माइक रखता हूँ, ये रहा सब कुछ। बस यही मेरे पास फ़िलहाल सामान है और इसी को लेकर मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। तो फिलहाल इधर से निकलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम लोगों को मज़ा आएगा, 100 किलोमीटर का जर्नी है, तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। आने के टाइम में ट्रेन से या फिर किस चीज़ से आऊँगा वो भी मुझे पता नहीं है। फिलहाल जर्नी स्टार्ट करते हैं, आगे क्या होता है नहीं होता है मैं तुम लोगों को पूरा दिखाऊँगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखना, तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। चलो we'll be right back.
मैं घर से निकला हूँ, आधा घंटा भी नहीं हुआ है। मैं तुम लोगों को टाइम दिखा दूँ, एक बज रहे और मेरा हालत ऑलरेडी पतली हो चुकी है, क्योंकि ना ही मेरे पास पानी है, क्योंकि मैंने पानी का बोतल लेना भूल गया। मैं तो मुझे पानी का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। थोड़ा छाँव में रुकते, उसके बाद देखते हैं। हाईवे पकड़ के मैं चल रहा हूँ, देखते चलो आगे क्या होता है। सो गाइस, अभी इधर से मैं लिफ्ट मांगूंगा, मुझसे और चला नहीं जा रहा। जैसे कि देखो, मैं हाईवे के ऊपर खड़ा हूँ और ये देखो, ये पूरा हाईवे है। तो गाइस, कोई रुका नहीं और कोई मुझे लिफ्ट भी नहीं दे रहा। तो अभी मुझे ये लगने लगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई रुक ही नहीं रहा है हाईवे के ऊपर। और मुझे लगा कि नहीं, मुझे हाल छोड़ना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए। फिर मैंने देखा कि ट्रैफिक में गाड़ियाँ रुकती है, उधर जाके ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद मैं जाता हूँ ट्रैफिक में। और सो गाइस, भैया ने मुझे लिफ्ट दिया है और मैं सामने तक थोड़ी देर जा सकती हूँ। मैं इसको कितना दूर है, अभी अभी मैं पीछे बैठूंगा और मुझे 2 किलोमीटर तक लिफ्ट मिलेगा। छोड़िए, चलिए। तो गाइस, मुझे 2 किलोमीटर तक का लिफ्ट मिल गया है और अभी मैं जा रहा हूँ टूट जगह में पीछे। तो गाइस, चलो चलते और मैं आगे मिलता हूँ। टेम्पो के अंदर बैठा हुआ, जैसे कि देख पा रहे हो, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। इधर से मैं कभी ड्राइव करते हुए जाता था और आज मैं इधर बैठा हुआ हूँ टेम्पो में, ये देखो। तो गाइस, अपने घर से मैं 8 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ और मुझे 98 किलोमीटर जाना है। तो चलो, फिलहाल बज रहे, टाइम हो रहा है 1:43, ये देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। 8 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ, 8 किलोमीटर में दूर आ चुका हूँ अपने घर से फिलहाल। लोग पहुँच चुके हैं, हम लोगों को जिधर आना था। बैग ले लेता हूँ मैं अपनी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अभी मैं जाता हूँ और मैं मनीष को, हाँ मनीष को मैं जाता हूँ। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। आता हूँ मैं, थैंक यू। सो गाइस, तो करीब मेरा 2 किलोमीटर इधर कवर हो गया। तो भैया को थैंक यू सो मच फिर से, और फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है नहीं होता है। मैं भी और थोड़ा, थैंक यू, और थोड़ा हम लोग
सामने जाके मुझे कुछ मिलता है देखते हैं। उसके बाद हम लोग गए खाने को, मतलब दिस इज सो क्रीपी। सो गाइस मैं रोड के ऊपर आया था और इधर से तुम विधाननगर स्टेशन जा सकते हो, तो मैं सोच रहा था कि कुछ काम वाम करके पैसे जुगाड़ करके ट्रेन से चलेंगे, क्योंकि ऐसे लिफ्ट तो नहीं मिलने वाला क्योंकि हाईवे है पूरा। तो अचानक से जाते हुए मुझे एक मंदिर दिखी जहाँ पे मुझे प्रसाद वसाद मिल सकती है, यानी कि खाने का बंदोबस्त हो सकता है। तो मैं अंदर जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है नहीं होता है, अगर मुझे मेरा खाने का ये देखो खाने का बंदोबस्त हो जाता तो मज़ा आ जाएगा। इधर खाने के लिए तुम्हारे पास होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने उधर पूछा तो उन्होंने कहा कि आप इधर खड़े हो जाओ और आपको खाने के लिए मिलेगा। तो मे भी बेइज्जती होने वाला है, सबके पास है, तुम्हारे पास है ना भाई, देखो ये पास तुमको चाहिए होता जो कि मेरे पास है ही नहीं, फिर भी मैं लाइन में खड़ा हूँ। सब मुझे देख के ऐसे कोई दिक्कत नहीं, देखते बेइज्जती को बहुत होना तुमको दिखा दो। क्या आप लोग क्या खाएंगे? हाँ फिर बैठे खाने भैया पास कूपन रहेगा वही खा पाएंगे। सो गाइस मैंने खाना पीना कंप्लीट कर लिया, लोग इतने अच्छे थे, इतने अच्छी तरीके से बिहेव किया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैंने जब कहा कि मेरे पास कुछ नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे 100 रुपये थमा दिया, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अभी थोड़ा ट्रैवलिंग ईजी हो जाएगा, जिधर से चलते हैं और सबसे ईजी वे रहेगा और सबसे चीप वे रहेगा वो है ट्रेन से जाना। तो अभी मैं ट्रेन से जाऊँगा, सामने ही एक स्टेशन है, सॉरी इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, फिर देखते कौन सा स्टेशन है, उधर जाके मैं ट्रेन पकड़ूंगा, जितना हो सके 100 किलोमीटर में क्रॉस करने की कोशिश करूंगा। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस 30 किलोमीटर हम लोग दूर आ चुके हैं, जैसे कि देख पा रहे हो 30 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और हम लोग को फर्दर जाना है। अभी बज रहे, टाइम हो रहा है शाम के 4:31, मतलब 4:30 बज रहे और अभी ठंडा का मौसम है, मतलब ठंडा आ चुका है, इसका मतलब जल्दी मतलब शाम ढल जाती है। तो देखते हैं शाम तक कितने दूर हम लोग जा पाते हैं, अभी इधर से भी ऑटो लेंगे, चलते हैं। तो गाइस ऑटो से मैं इधर आ गया हूँ, वॉलेस गेट बैरकपुर के इधर आ गया, बालीगंज से मैं पूरा बैरकपुर के इधर आ गया हूँ और
ये टोटल किलोमीटर हुआ है 36 किलोमीटर लास्ट मैंने देखा था, 38 किलोमीटर सॉरी 38 किलोमीटर हो रहा है और अभी 5 बज रहे हैं, मतलब शाम होने ही वाला है, रात हो जाएगा अभी। वैसे देख रहा हूँ, ट्राई करूँगा 50 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट। थक गया हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं, 50 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैंने टोटल और 5 किलोमीटर ट्रैवल किया उधर से, फिर उधर गया जाके उधर फिर घूम के इधर आया, मतलब टोटल 50 किलोमीटर मेरा कंप्लीट हो चुका है। 100 किलोमीटर करते अगर मैं करूँगा तो मुझे कल सुबह हो जाएगी अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो, 100 किलोमीटर तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, 50 किलोमीटर पर ही एंड करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरे अंदर ज़्यादा कुछ बचा नहीं है मतलब, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि तुम 50 किलोमीटर 5-6 घंटे के अंदर कंप्लीट कर रहे हो विदाउट एनी मनी, दिस इज़ अ ह्यूज डील। और खाना पीना, और मेरे पास अभी भी 30 रुपीज़ बाकी है तो उससे मैं घर जाऊंगा। और फिलहाल वीडियो इधर ख़त्म करते हैं, होप तुम लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा, और अगर तुम लोगों को आज की वीडियो में मज़ा आता है तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताओ तुम लोगों को कैसा लगा। और ऐसे ही अगर तुम लोगों को ट्रैवल वीडियो पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ट्रैवल वीडियो अपलोड करूँगा। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ बस और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी बी यंग फॉर ए बेटर लाइफ। अगर तुम इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसा कोई चैनल तुमको मिलेगा नहीं। और बाय, गुड नाइट। मजा आया, इसकी खुशी अलग है भाई, इस चीज की खुशी अलग है।